तो लास्ट टाइम मैं आया था इस वाले आइलैंड पर, जहाँ पर मुझे पता नहीं था भाई कि मैं इस वाले आइलैंड पर पहुँच जाऊँगा, बट मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई। और तुम लोगों को याद होगा यार सीन क्या हुआ था, मेरे घर की पार्किंग वाली छत पे एक पोर्टल क्रिएट हो गया था, और पता नहीं वो पोर्टल कैसे क्रिएट हो गया था अपने आप ही, बट जैसे ही मैंने वो पोर्टल देखा मैंने भाई डिसाइड कर लिया कि इस पोर्टल के अंदर जंप लगाकर जाना है और ट्रैवल करना है और जर्नी करनी है भाई, देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। और इसीलिए मैंने उसके अंदर जंप लगा दी, और साथ में मेरे शिनचैन और पिनचैन ने भी जंप लगा दी, और उसके बाद हम लोग टेलीपोर्ट होकर आ गए गाइस इस वाले आइलैंड पर। और काफी ज्यादा अजीबोगरीब आइलैंड है ये, क्योंकि यहाँ पर सच में भाई पूरा आइलैंड ही अजीब है, क्योंकि कहीं पर फैक्ट्रीज है, कहीं पर क्रेन वगैरह से काम हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, अजीबोगरीब सोसाइटीज बनी हुई है, घर बने हुए हैं, बट यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आए हैं यहाँ पर उसी पोर्टल के थ्रू। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि सारे के सारे लोग मतलब यहीं से बचपन से ही रह रहे हैं या फिर शुरुआत से यहीं पर बसे हुए हैं, नहीं, वो लोग भी गाइस एग्जैक्टली मेरी तरह ही आए थे आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। उनके भी घरों के सामने इस तरीके का पोर्टल क्रिएट हुआ था जैसे मेरे घर की छत पे हुआ था, और उन लोगों ने जंप लगाई और तब से वो लोग यहीं पर रह रहे हैं, और यहाँ से कभी भी वो एस्केप नहीं कर पाए, भाग नहीं पाए, वापस जा नहीं पाए। तो मैं भी यही सोच रहा था यार कि देखो इस वाले आइलैंड पर मेरे को तो रहना नहीं है भाई, क्योंकि इस आइलैंड पर ना ही अच्छी हरियाली है कहीं पर भी, ना ही कुछ ढंग का खाने को है, और ना ही शॉप्स वगैरह है, ना ही कुछ बर्गर वगैरह कुछ मिल रहा है यार, छोले भटूरे वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं, बहुत बेकार जगह है, यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने तो डिसाइड कर रखा है कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ गाइस। अब वो पता नहीं है किस तरीके से जाऊँगा, बट हाँ जाऊंगा तो जरूर। अभी फिलहाल यहाँ से नीचे चलते हैं, मेरे पास पैराशूट है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अबे यार कहाँ ठुक गया, पैराशूट खोलने का भी टाइम नहीं मिला यार, इस क्रेन में ही जाके भिड़ गया मैं। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ। एक तो यहाँ पर बारिश ऐसे हो रही है भाई कि पूछो ही मत, बारिश बंद ही नहीं हो रही जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, पता नहीं कितनी बारिश हो रही है। अरे बंद हो जा भाई बारिश, बंद हो जा 2 मिनट, नहीं रुक रही भाई बारिश, नहीं रुक रही है। ऐसे हमें यहाँ पर आए हुए गाइस टोटल 1 दिन हो चुका है, और 1 दिन में हम लोगों ने पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे हिसाब से तो भाई, एक एक दुकान, एक एक छोटे से छोटा घर, बाकी जितने भी लोग इस वाली जगह पर रह रहे हैं सारे लोगों के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, मुश्किल से गिने चुने 20-25 लोग होंगे इस पूरे के पूरे आइलैंड पर, इससे ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसी तरीके से यहाँ पर आए हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ टेलीपोर्ट होके पोर्टल के थ्रू। अभी चलते हैं वैसे सोसाइटी के अंदर, शिनचैन पिनचैन और चॉप यहीं पर है, जरा उनके पास चलते हैं भाई कहाँ गए। अबे यार यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है, अरे कब से चक्कर काट रहा हूँ भाई अंदर जाने का रास्ता, आओ ये रहा रास्ता, लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से अंदर। वो रहे शिनचैन पिनचैन फलों की टोकरी के पास, और भाई क्या कर रहे हो, वैसे ये जीप मिल गई थी हम लोगों को यहीं पर, तो इसी से हम लोगों ने पूरा का पूरा आइलैंड घूमा यार। तुम लोगों ने नहीं देखा वो वाला एपिसोड तो जाकर देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लास्ट वाले एपिसोड का। वैसे भाई शिनचैन पिनचैन कैसा लग रहा है इस आइलैंड पर? काफी ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि यार बर्गर वगैरह भी खाना है, और यार थोड़ा गाड़ियां वाड़ियां दिखनी चाहिए यार, थोड़ा शहर जैसा लगना चाहिए, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ यार इस जगह पर आकर बताओ कैसा लग रहा है, जैसे टाइम ट्रेवल करके हम लोग पुराने जमाने में आ गए, जब बहुत कम लोग हुआ करते थे, दूर दूर घर हुआ करते थे, पहाड़ी पहाड़ हुआ करते थे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही। बट हाँ पुराने जमाने में गाड़ियां थोड़ी ना होती थी भाई, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ियां है। ये टाइम ट्रेवल तो डेफिनेटली नहीं किया हम लोगों ने, बट फिर भी गाइज ये आइलैंड 1-2 दिन से ज्यादा रहने लायक नहीं है। ये आइलैंड घूमने के लिए तो ठीक है, बट यहीं पर हमेशा के लिए रहना बहुत इम्पॉसिबल है भाई, पता नहीं यहाँ पर खाना ही कैसे उगता होगा। यहाँ के लोग बस फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, इसके अलावा कुछ और तो मैंने किसी को खाते हुए देखा नहीं है। अरे हाँ यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं खा सकते लोग। अबे खाने की तो बात छोड़ो, यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखी है, मुझे तो यहाँ पर बाइक ही नहीं दिखी है, लगता है लोगों को अभी तक बाइक बनाना नहीं आया है। ओ नहीं है बाइक है यार, ये तो री नहीं नहीं बाइक आती है भाई बनानी, ऐसी कोई बात नहीं है, बाइक है यहाँ पर, लेट्स गो। वैसे मैं बाइक क्यों चला रहा हूँ, बाइक को रखो साइड में, और यहाँ से निकलने का कुछ आइडिया सोचो बे शिनचैन पिनचैन। अरे यार क्या आइडिया सोचे, कुछ आइडिया ही नहीं सूझ रहा। अबे यार पोर्टल देखो भाई, हमारे घर की छत पे गाइस पोर्टल बना हुआ आया था, तो हम लोगों ने उस पोर्टल के अंदर जंप लगाया और फिर हम लोग आ गए इस वाले आइलैंड पर। तो होना क्या चाहिए अगर वापस जाना है, तो होना ये चाहिए कि इस वाले आइलैंड पर भी कोई ना कोई पोर्टल होना चाहिए, बट इस वाले आइलैंड पर हम लोगों ने पूरा चक्कर ही चक्कर काट लिए, बट एक भी पोर्टल नजर नहीं आया पूरे के पूरे आइलैंड पर, एक भी पोर्टल सच में।
पता नहीं क्या सीन है यार, जब पोर्टल ही नहीं नजर आ रहा तो हम लोग वापस कैसे जाएंगे। अरे सोचो सोचो यार, कुछ और ही तरीका आजमाना होगा। एक आइडिया और है गाइस कि हम लोग बोट वगैरह का यूज कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कार और बाइक के इन्वेंशन के साथ साथ बोट का भी इन्वेंशन कर दिया है, तो बोट के इस्तेमाल करके हम लोग समुद्र के अंदर जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम बताओ क्या है बोट के साथ, कि मान लो बोट लेकर तो निकल गए लेकिन फ्यूल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, और मान लो बोट लेकर निकल गए बीच समुद्र में और कहीं पहुंचे ही नहीं कई सालों तक तो क्या होगा भाई। इसीलिए बोट के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बोट लेकर भी जाने में बड़ा डर लग रहा है। तुम लोग बताओ गाइस कमेंट में आगे क्या करना चाहिए। वैसे चॉप सही रहा यार, चॉप मजे में है। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, वो तो हमारे संग आया ही नहीं। उसको तो हम लोगों ने लाखों बार कहा कि आ जाओ चॉप आ जाओ हमारे संग, लेकिन वो आया ही नहीं यार। हाँ यार वो सही है, मस्त एकदम घर पे पड़े पड़े बर्गर वगैरह खा रहा होगा। हम लोग यहाँ पर इस टापू पर बारिश के अंदर घूम रहे हैं, खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। फ्रूट्स कौन इतने फ्रूट्स खाता है यार, ये फ्रूट्स खा खा के ही पेट भरेंगे। और ये चॉप को देखो, चॉप मजे से घूम रहा होगा भाई लॉस सैंटोस में। नालायक ने एंटर भी नहीं किया उस पोर्टल में, मस्त एकदम लॉस सैंटोस में बर्गर वगैरह चपेट रहा होगा वो। बे यार कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ मैं इनका, वैसे अभी तो एक ही दिन हुआ है बट फिर भी यार ये लोग वापस आए ही नहीं। इस पोर्टल के अंदर एंटर क्या किया इन तीनों ने, वापस मुड़कर आए नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। अकेले अकेले तीनों घूम रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी एंटर करके पहुंच जाऊं उसी जगह पे, लेकिन फिर सोचता हूँ कि छोड़ो भाई एक बार इन्हें ट्रिप करके आने दो फिर ही जाऊंगा मैं। फिलहाल तो अभी जितने भी घर के अंदर बर्गर थे वो भी खत्म हो गए, मैंने सारे खा लिए यार। अब लगता है नए बर्गर लेने जाना ही पड़ेगा। चलो निकलता हूँ, बर्गर के साथ साथ पिज्जा भी ले आऊंगा और कोल्ड ड्रिंक्स भी, मजा आ जाएगा। वैसे भी अभी फिलहाल घर का मालिक तो मैं ही हूँ, क्योंकि घर में मेरे अलावा है ही कौन भाई, ना ही शिनचैन है ना ही पिंचैन है और ना ही कलुआ है, कोई भी नहीं है भाई। मजा आ रहा है बिल्कुल अकेले रहने में। तो चलो मस्त है कि हम बर्गर लेकर आएंगे। वैसे इन लोगों के संग हुआ क्या होगा यार, पोर्टल के अंदर एंटर करके कहाँ पहुंचे होंगे ये लोग, हेवन में? खैर भाई जहाँ भी पहुंचे हो, मेरे को तो अपने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से मतलब है। मैं तो जा रहा हूँ भाई फुल स्पीड में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। भाई कौन भाई बीच रास्ते में क्यों आ रहा है? ओए तू बीच रास्ते में आया, हम तो शांति से खड़े हैं। ओए मोटे फालतू मत बोल। ओए तूने बॉस को मोटा बोला, तुझे पता भी है बॉस तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मैं तो तेरा बॉस का हड्डी पसली तोड़ेगा भाई, मेरा कलुआ से सामना हो गया ना तेरे बॉस की खोपड़ी उड़ा देगा। अच्छा कौन है कलुआ, बुलाओ उसे। मैं कलुआ वो कहीं गया हुआ है। ओए डॉगी शांति से निकल ले यहाँ से, वरना लात पड़ेगी अभी। मैं तू लात मारेगा बे, है बे कि मोटे तू लात मारेगा बता बे, फालतू नहीं बोल रहा मेरे से, समझा तू? अरे इसने तो बॉस को घायल कर दिया, छोड़ेंगे नहीं अब डॉगी को। ओए इसने बहुत जोर से काटा है मेरे, छोड़ना नहीं इसे। ओ भाई साहब ये तो पीछे ही आ गए। रुक मैं भागता का है डॉगी। मैं डॉगी नाम नहीं है मेरा, पहली बता रहा हूँ मेरा नाम चॉप है। तो रुक रुक भागता का है। भाग कौन रहा है बे? तो रुक जा अभी तेरी हड्डी पसली तोड़ते हैं। मैं भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा, वैसे बता रहा हूँ मेरा नाम चॉप है भाई, डॉगी डॉगी मत बोल। हाँ तो रुक जा, चॉप के बच्चे बुला, जिसके बारे में तू कह रहा था कि हमारी हड्डी पसली तोड़ देगा वो बुला उसे। वो कहीं गया हुआ है वरना तो बुला ही लेता मैं। बुला ना उसे। अबे उससे उसे क्या कह रहा है भाई, उसका नाम फ्रैंकलिन है भाई, सच में तेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कहाँ गए तुम लोग तीनों के तीनों? अच्छा तो बुला ना उसे। अबे वो यहाँ पर है नहीं, वरना सच में ही बुला लेता और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा देता मैं। ओए भागो यार ये तो पीछे आ रहे हैं। अबे यार क्या करूं मैं, किधर जाऊं? अबे यार फंस गया फंस गया फंस गया यार फंस गया। ओए किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं, ओए किधर जाऊं बे। अबे यार समझ नहीं आ रहा, इस कलुए को भी आज ही जाना था क्या? अब बोलना कहाँ जाएगा तू? मोटे भाग के तो रहूंगा मैं। पकड़ो इसे पकड़ो, छोड़ेंगे नहीं आज। ठीक है बॉस अभी पकड़ते हैं। बे यार एक काम करता हूँ यार, मैं भी पोर्टल के अंदर ही जंप लगा देता हूँ, कम से कम इन नालायक गुंडों से तो बचूंगा। यस गाइस लेट्स गो, चलते हैं पोर्टल के अंदर। बॉस ये तो वहाँ पहुँच गया है। चलो चलो लेट्स गो। बे भाई साहब यार पोर्टल के अंदर मैंने जंप तो लगाई लेकिन ये कहाँ आ गया मैं? ओए 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 लग गई। ओए कौन सी जगह ये? बे कहाँ पर आ गया मैं? ये वो तेरी, यहाँ पर तो एक मस्त वाली गाड़ी रखी है, किसकी गाड़ी है ये? तानी भाई ओए कलवे तू है क्या यहाँ पर? ऐसे वो लोग टेलीपोर्ट करके आए तो यहीं पर होंगे यार, क्योंकि इसी पोर्टल में तो जंप लगाया था उन तीनों ने, तो होंगे तो यहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा। वैसे काफी बड़ी जगह है यार, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब टापू है। ओए वहाँ पर तो काफी बड़ी सी बिल्डिंग है, चलो भाई उधर चलते हैं, क्या पता कलुआ मिल जाए।
भाई साहब बिल्डिंग नहीं है तो पूरी की पूरी सोसाइटी सी बसी हुई। ओए ओए मिल गए, ओए तीनों के तीनों मिल गए। चौब भाई तू यहाँ पर? मैं भाई साहब आया यार, मैं यहाँ पर। तू यहाँ पर कैसे, कब, कहाँ से, क्यों? अबे भाई आ गया, तुझे खुशी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई, कम से कम तू भी हमारे संग फंस गया। फंस गया? तुम लोग कैसे फंस गए हो? अबे भाई हम लोगों को वापस जाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अबे यार मैं तो फंस गया था लॉस सेंटोस में, इसीलिए टेलीपोर्ट करके मैं यहाँ पर आया। तू कह रहा है तुम लोग पहले से यहाँ पर फंसे हुए हो? हैं, हम लोग तो फंसे हुए हैं, तू ये बता तू लॉस सेंटोस में कैसे फंस गया बे? अबे यार गड़बड़ हो गई थी मेरे से वो। क्या गड़बड़ हो गई? अबे मैंने एक गुंडे के बॉस पर अटैक कर दिया। ओ तो वो गुंडे तेरे पीछे पड़े होंगे? बिल्कुल। और तू पोर्टल में जंप लगा के आ गया उनसे जान बचाने के लिए? बिल्कुल। तो तुझे लग रहा है वो लोग तेरा पीछा छोड़ देंगे? क्यों, क्या करेंगे वो? भाई साहब वो लोग भी पोर्टल के अंदर जंप लगा के आते ही होंगे भाई। बे यार चौब तू पंगे क्यों लेता है? अबे जानबूझ के पंगे नहीं लिए, बस हो गए पंगे। तो गया तू चौब भाई? क्या गया भाई, इतनी बड़ी जगह पे मेरे को थोड़ा ढूंढ लेगा आराम से वो। हाँ वो भी सही बात है, लेकिन तूने कैसे ढूंढ लिया हमें? अबे मैं तो उधर गिरा बगल में, मैंने ये घर देखा, मेरे को लगा इधर हो गए और सच में तुम लोग इधर ही निकले। आ जा कुछ खा पी ले। बर्गर कहाँ है? बर्गर नहीं मिलते यहाँ पे, यहाँ पर फ्रूट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। क्या तुम लोग पिछले एक दिन से सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो? कम से कम शुक्र मना भाई, फ्रूट्स तो मिल रहे हैं। खा ले तू भी, चल थोड़े तरबूज खा लेता हूँ मैं। बॉस वो तो गायब हो गया उसके अंदर जंप लगा के। हाँ हाँ मुझे पता चला, एक काम करते हैं हम लोग भी इसके अंदर चलते हैं। लेकिन बॉस हम लोग भी गायब हो गए तो? अरे गायब नहीं होंगे, टेंशन मत लो, बॉस है ना तुम्हारे संग। बॉस आप तो हमारे संग तब भी थे जब उस कुत्ते ने अटैक किया। अरे चुप हो जाओ, कम बोलो, फालतू मत बोलने का, चलो आ जाओ मेरे पीछे, भी जरा देखे आखिर में ये अजीबोगरीब पोर्टल लेकर कहाँ जाता है। बॉस एक बार और सोच लो। जो सोचना था वो सोच लिया, अब करने का टाइम है, आ जाओ तुम भी मेरे पीछे, लेट्स गो। अरे बॉस ये कहाँ गिर रहे हम लोग? अरे पता नहीं यार, तुम लोग किधर जा रहे हो, मेरे पास ही रहो। अरे बॉस हम लोग तो किसी आइलैंड पर पहुंच गए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। अरे गिरा गिरा, लग गई बहुत तेज लग गई। अरे मैं तो जिंदा बच गया, तुम लोग जिंदा नहीं बचे क्या? अरे उठो उठो। अरे बॉस हम भी जिंदा बच गए हैं। तो आ जाओ फिर। कहाँ पर जा रहे हैं बॉस? अरे मैं जब गिर रहा था तो मैंने उधर की साइड एक गाड़ी देखी थी, चलो उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस जगह पर ढूंढते हैं उस डॉगी को। और डॉगी मिल गया तो? मिल गया तो क्या, छोड़ेंगे नहीं उसे, कूट डालेंगे पकड़ के। अरे हाँ बॉस सही कह रहे हो, सही आइडिया, दबोच लेंगे उसे। अरे जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस डॉगी को। आ जाओ बैठो इस गाड़ी में, देखो ऊपर से गिरते वक्त ही तुम्हारे बॉस ने देख ली थी ये गाड़ी। आ जाओ कहाँ रह गए? अरे आ जाओ यार, बड़े स्लो हो तुम लोग, बैठो आ जाओ। अरे बॉस मैं कहाँ बैठूं? अरे पीछे जगह होगी, बैठ जा। बॉस पीछे तो जगह नहीं है। तो गाड़ी पे चढ़ जाओ। चलो बॉस चलो गाड़ी पर मैं चढ़ गया हूँ। चलो ढूंढते हैं इधर उस डॉगी को, छोड़ूंगा नहीं, एक बार हाथ में तो आ जाए। और उसने क्या बताया था, एक और कलुआ क्या नाम बताया था? बॉस उसने फ्रैंकलिन कुछ कहा था। हाँ वो भी शायद यहीं पर होगा, वो भी मिलेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार कोई सा मेरे हाथ में तो आए, बचेगा नहीं कोई भी। बॉस वहाँ पर कुछ घर है, चलते हैं इन घरों की तरफ, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, बस गाड़ियाँ रखी हुई हैं। एक बंदा दिखा। ओए तुझे पता है कि डॉगी है यहाँ पर? कैसा डॉगी? ओए तुझे डॉगी के बारे में नहीं पता? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता। तेरी ऐसी दैसी फिर रह क्या रहा है यहाँ पर बेवकूफ। आ जाओ बैठ गाड़ी के अंदर, आ जा। तू क्या ऊपर से नीचे आ गया बे, वापस जा ऊपर। चलो अभी आगे चलते हैं। इधर तो कोई ढंग का बंदा मिला नहीं। यहाँ पर एक मोटा है, इससे पूछता हूँ। मोटे इधर कोई डॉगी है क्या? ओए मोटे। अरे बोल क्यों नहीं रहा है बे, पूछ रहा हूँ तुझसे तो। सारी के सारी बेवकूफी है यहाँ पर, किसी से भी पूछो कोई ढंग का जवाब ही नहीं देता। आगे की तरफ चलते हैं। कोई और है क्या? उधर है शायद कोई और, उस पेड़ के नीचे कोई तो नजर आ रहा है। दो तीन लोग हैं। अरे ये तो रहा ये डॉगी, इसकी ऐसी की तैसी। ओए हमारे डॉगी के ऊपर गाड़ी कैसे चढ़ाई है? तेरा डॉगी? अच्छा तो तू ही है क्या वो फ्रैंकलिन है? कौन फ्रैंकलिन? इसका नाम फ्रैंकलिन नहीं है। ओए हाँ बे मेरा नाम फ्रैंकलिन नहीं है। तो ये तो चौप था ना? चौप? कौन चौप? हमारे डॉगी का नाम तो चौप नहीं है। तो तुम लोग हो कौन बे? निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है, मतलब गलत कुत्ते को टपका दिया। तो फिर कहाँ गया वो चौप नाम का कुत्ता? छोड़ूंगा नहीं उसे।
यहाँ पर एक घर दिख रहा है, चलते हैं इसके अंदर ही। कोई है क्या? ओए मिल गया, वो डॉगी मिल गया। और यहाँ पर, ओए तेरा नाम फ्रैंकलिन है क्या? हाँ फ्रैंकलिन ही है, लेकिन भाई तू कौन? मैं वही हूँ जिसको उस डॉगी ने काटा है। भाई साहब यार ये तो सच में यहाँ पर आ गए। अबे हाँ यार चौप, ये लोग तो आ गए सच में ही। ओए तो तू हमारी हड्डी पसली तोड़ेगा? मैंने कहा ऐसा कुछ कहा? तो क्या कहा तूने? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, वो बोल के आया। तो उसने तेरा नाम लिया, तू तो गया। तू क्या उखाड़ लेगा बे? है बे, है बे, क्या उखाड़ लेगा बे तू? और मोटे तू भी क्या उखाड़ लेगा बे? आया बड़ा यहाँ पर फालतू बोलने वाला। और तू क्या बे है? बे मतलब में सारे के सारे आ रखे हैं यार लड़ने के लिए, बताओ। चो भाई इन लोगों से डर रहा था, निपटा दिए मैंने तो इन्हें। मैं तो पहले ही कह रहा था इन लोगों से कि भाई फ्रैंकलिन निपटा देगा, लेकिन माने ही नहीं ये लोग। क्या दम भी नहीं था इन लोगों में सच में, गए एक एक लात में निपट गए। स्पेशली ये मोटा तो और ज्यादा बिल्कुल ही ढीला निकला। ए ढीला किसे बोला बे? अबे तू जिंदा है? अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। शिंचन पिंचन साइड हट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर अब तगड़ी फाइट होने वाली है। अरे लो यार साइड में हट गए। उठ बे मोटे। अब देख क्या हाल करता हूँ मैं तेरा फ्रैंकलिन। तो बोल भाई मोटे, क्या फिर से लड़ने के लिए तैयार है तू? तो एक मुक्का मार के तो दिखा। ले मुक्का गया सीधे रैपट ही धर दिया। तेरी इतनी हिम्मत ये ले? तो तू भी ले बेटा, आ जा आ जा, दो दो हाथ हो ही जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पर भाई बहुत ही तगड़ी तरीके से अपनी लड़ाई जा रही है। लिटरली में यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली फाइट स्टार्ट हो चुकी है। एक मुक्का ये मेरे, एक मुक्का मैं इसके। और अब भाई साहब ये ले लात ही लात बजाऊंगा बेटे इतने कि सारी बॉस गिरी निकल जाएगी तेरी। ज्यादा गुंडों का बॉस बनेगा अबे है तू। तेरे में अंदर दम ही क्या है मोटे गेंडे? दम है तेरे अंदर जरा सा भी? अब उठना। अब क्या हो गया? हो गई पेंट गीली, अब लेना पंगे। मोटे उठ, उठना बे, बॉस बना घूम रहा था। उठ जा, उठना। आज सब दिमाग खराब कर रखा है इसने सच में। ये इसके दोनों अंटर पंटर तो एक रैपट में ही सो गए। इसको थोड़ा टाइम लगा बट एंड में गाइस मामला खत्म कर दिया इसका भी। सच में यार हद होती है किसी चीज की भी, बेमतलब के पंगे ले रहा है। निपटा दिया, अब ठीक है चौप? अब ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? पता नहीं भाई, वो तो पता नहीं। कहाँ है वो तीनों चारों जो नए आए हैं? इधर ही है, इधर ही। तो आ जाओ जरा, इनको बताते हैं। ओए कौन नया है बे यहाँ पर? कौन है भाई तू? ओए तुम्हारी वजह से आज पहली बार हमारे आइलैंड पर गुंडे आए थे। हाँ ये तो रहे ये तीनों गुंडे, यहाँ यही तो तीनों गुंडे थे जिनकी वजह से हमारे आइलैंड के तीन लोगों की मौत हो गई। क्या इन तीनों ने तीन लोगों को मार डाला? हाँ और साथ में एक डॉगी को भी। वो क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो ये गुंडे तुम्हारी वजह से आए थे यहाँ पर। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर ये आइलैंड छोड़कर जाना होगा। अरे लेकिन मैं तो जाना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे आइलैंड के, तो वैसे हमारे आइलैंड की जनसंख्या कुल मिला के 40-50 लोगों की है, उसमें से भी तीन लोग जा चुके हैं। तुम्हें ये आइलैंड छोड़कर जाना होगा। अरे लेकिन भाई टाइम तो दे मुझे। नहीं टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, आज ही नहीं अभी ही ये आइलैंड छोड़कर जाना होगा। हाँ तुम्हें ये जगह छोड़कर आज के आज ही जाना होगा। अरे लेकिन भाई मैं तो जाना ही चाहता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे? वो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी वजह से हमारे इस छोटे से आइलैंड पर कितनी शांति थी। पिछले 10 सालों से यहाँ पर नए नए लोग आते हैं, लेकिन हमेशा शांति बनी रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज पहली बार हमारे इस आइलैंड पर क्राइम हुआ है। इन तीनों को तो तुमने मार ही दिया, इन तीनों ने और 3-4 लोगों को मार दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। निकल जाओ यहाँ से। अबे लेकिन भाई हमारे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, और वो है बोट से निकलना। बट बोट से निकलने में बहुत रिस्क है, क्योंकि बीच रास्ते में भाई खाना खत्म हो सकता है, और हमें क्या पता हम लोग यहाँ से निकलने के बाद किस आइलैंड पे पहुंचेंगे, और कब पहुंचेंगे, और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता है, निकलो यहाँ से। अबे भाई रुक जाना। I'm sorry, निकलना होगा। अगर नहीं निकले तो मैं पूरे के पूरे गाँव को इकट्ठा करूंगा, जो की गाँव है 40-50 लोगों का, और पूरे के पूरे आइलैंड के लोग मिलकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे। अबे यार रहने दे, जा रहे हैं हम लोग, बस निकल जाओ यहाँ से। ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई यार अपनी। चलो भाई शिंचन मिंचन आ जाओ गाड़ी में, निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली अपनी, रुकना है यहाँ पर। जाओगे कैसे तुम लोग? कैसे भी जाए भाई, तुझे क्या है? हमारी कोई गलती नहीं है इन तीनों के यहाँ पर आने में, बेमतलब में हमें भगा रहे हो तुम लोग। हम लोग वैसे भी जाने ही वाले थे, लेकिन थोड़ा प्लान बनाकर जाते कि भाई किस तरीके से निकलना है, लेकिन नहीं मान ही नहीं रहे। आ जाओ भाई शिंचन मिंचन, चौ बैठो गाड़ी में। आ जा भाई शिंचन, बैठ गया पिंचन भाई, बैठ जा तू भी पीछे, बैठ जा आराम से।
चौप भी बैठ चुका है। निकलते हैं यहाँ पर। दोबारा वापस आना। नहीं आऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए वापस नहीं आना अब यहाँ पर कभी भी। चलो गाइस यहाँ से जल्दी से भी बूट या फिर कोई तो कुछ तो शिप वगैरह लेकर निकलते हैं और वापस नहीं आएंगे भाई सच में ही। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ यार? जाएंगे कहाँ क्या, दो चार फ्रूट्स ले लेते हैं, रास्ते में डेफिनेटली भूख तो लगने ही वाली है, फ्रूट्स वगैरह लेकर ही जाएंगे भाई आए हैं तो यहाँ पर। अरे तुम तो वापस आ गए। वापस आया हूँ मैं फ्रूट्स लेने के लिए। रास्ते में हम लोग खाएंगे क्या? फ्रूट्स दे थोड़े बहुत मुझे। ये ले जाओ बस, इतने ही ले जा सकते हो तुम। अबे यार इतने से इतने में क्या ही होने वाला है, इसमें क्या है, वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, नीचे एप्पल्स वगैरह है। कोई बात नहीं गाइज, बस यहाँ से निकलना है भाई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई इस जगह पे। अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। कहाँ पर मैंने वो शिप देखी थी? अबे यार एक तो ये जीप पलट गई। वो शिप मैंने कहाँ देखी थी? जल्दी से उस शिप को ढूंढते हैं। इन लोगों ने ही बनाई थी वो शिप को गाइज, एक बड़ा सा पानी का गोला था वहाँ पर थी वो शिप। यहाँ पर क्लियरली कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है। ये है क्या वो बड़ा सा गोला पानी का? आई गेस यही है, यही है क्या? पानी नजर तो नहीं, नहीं नहीं ये वाला गोला नहीं है गाइस। ये बहुत बड़ा गोला था यार जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ था, उसी में उस शिप देखी थी। अब पता नहीं वो गोला किधर की साइड हम लोगों ने देखा था, बट अभी जल्दी से वो बड़ा सा गोला ढूंढ के इस जगह को खाली करके निकलते हैं यहाँ से। ओ यही जगह थी क्या वो? ओ वेट यहाँ पर भी एक बड़ा सा गोला है तो सही, लेकिन पानी नहीं है इसके अंदर। यार ये जगह कितनी अजीबो गरीब है, हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे से है। शिप या फिर बोट तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, पानी जरूर है थोड़ा बहुत। ये बड़े बड़े क्रेन ट्रक है, शायद डैम बना रहे हैं ये लोग, पता नहीं गाइस क्या कर रहे हैं। बट जो भी हो यार तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका नाम है फ्लाइट। और उस चैनल पर आने वाली है बहुत सारी नए नए गेम्स की वीडियोस जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी तक तुम लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी उस चैनल की तो जाकर देख सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी कभी जाकर देखो। बाकी अभी हम लोग इस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली वो गड्ढा मिल गया है। हाँ यही वाला वो गड्ढा था जिसके अंदर हम लोगों ने बोट देखी थी। तो गाइज जाओ यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और पहुंच जाओगे तुम लोग डायरेक्ट फ्लाइट वाले चैनल पर। और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार उस चैनल को। ओके नीचे आगे, ओके ये रही फाइनली एक बोट। तो क्या बोलते हो भाई शिनचैन पिनचैन, डायरेक्टली इस बोट के अंदर बैठ कर निकल ले कि इस जीप को भी इस बोट के अंदर रख दे? चला कौन रहा है ये? अरे वो अपने आप पानी की लहरों पे चल रही है हर। अच्छा ऐसे क्या कहते हो भाई, ये जीप अपने संग में ले जाए कि नहीं? अरे लेकर ही चलते हैं हर। हाँ तो ठीक है फिर, चलो गाइस कम से कम इस गांव से एक जीप तो लेकर जाए हम लोग। चलो फाइनली ये बोट जो है यहाँ पर टिक गई है। ओके बोट नहीं इसे तुम बड़ी शिप बोल सकते हो, काफी बड़ी है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले जीप को रखते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग बैठना ठीक है? अरे ठीक है यार, समझ गया समझ गए। आ जाओ उतर जा भाई चौप तू भी। मैंने कहा था कि भाई पहले जीप को रखने दो फिर बैठना जाके। उस चौप के बच्चे को देखो सबसे पहले जाकर बैठ चुका है बोट पर। अरे यार अब तो गाड़ी भी रखती है, अब तो जाकर बैठे ना। हाँ बैठो बैठो, फ्रूट भी रख दिया, गाड़ी भी रख दी, चौप भी जा चुका है। चलो चलो आ जाओ चलते हैं। तो बैठ गए भाई तुम लोग? अरे हम लोग तो बैठ गए, लेकिन तुम्हारे पीछे कौन है यार? ये कौन है पीछे? अबे भाई साहब इतने सारे लोग कब आए? निकल जाओ जल्दी से यहाँ से, निकल जाओ। अबे यार मेरे को तो लगा ये लोग टाटा बाय बाय बोलने आए थे। तुम्हारी वजह से हमारे इस छोटे से आइलैंड पर 3 लोगों की मौत हो गई है। हाँ यहाँ पर गलती से भी दोबारा मत आना। अरे लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई सीरियसली, मेरी कोई गलती नहीं है। वो हमें भी कुछ भी नहीं पता है, निकल जाओ यहाँ से। अरे हाँ निकल जाओ यहाँ से, बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हारी। चौप भाई देख ले भाई, इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। वरना कितना मस्त जा रहा था दिन यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ से एस्केप भी कर जाते, बट सिर्फ और सिर्फ इस चॉप की वजह से गाइज अभी रिस्क लेकर हमें समुद्र में निकलना पड़ रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होगा हमारे साथ, बट जो भी हो देखते रहो तुम लोग। ठीक है सर निकलते हैं। सर्वर बोलना बंद करो, निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे निकल रहे हैं भाई, वैसे मैं फिर भी यही बोलूंगा कि गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ तो हमारी गलती थी जो तुम गधों को अंदर आने दिया अपने आइलैंड पर। ओए अब ज्यादा हो रहा है, जुबान संभाल के बात कर ले भाई। अच्छा हमें जुबान संभालने को कह रहे हो, तुम्हारी वजह से 3 लोग टपक गए, उनका क्या? अरे भाई छोड़ यार, मेरे को इनसे बात ही नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ मेरी गलती नहीं है, जिन लोगों ने टपकाया भाई उनसे जाकर बात करने के बजाय से मेरे से पंगे ले रहे हैं। निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो फाइनली गाइस इस आइलैंड को पीछे छोड़कर हम लोग आगे निकल चुके हैं, देख सकते हो भाई बैठ चुके हैं हम लोग अपनी मस्त वाले बोट में। अब पता नहीं गाइस ये बोट अपना कितना लंबा साथ देने वाली है, हम लोग कितनी दूर जा सकते हैं इस बोट के थ्रू
आई हैव नो आइडिया। हमारे पास खाना भी बहुत ज़रा सा है यार, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सम ऑरेंजेस। अबे यार मैं तो गिर गया पानी के अंदर, एक सेकेंड ओए रुक जाओ बे, मेरे को छोड़ के कहाँ लेके जा रहे हो बोट। हाँ तो मैं कह रहा था गाइज कि हमारे पास तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो खाना देखो कितना सा है, थोड़े बहुत ऑरेंजेस, उसके अलावा वाटरमेलन और सम एप्पल्स। यहाँ पर एक जीप हम लोगों ने ले लिया ताकि किसी दूसरे आइलैंड पर अटके तो वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सके। अभी तो पता नहीं गाइज हम लोग लॉस्ट सेंटोस में कब पहुँचेंगे, वैसे समझ नहीं आ रहा यार हम लोग यहाँ से निकले और लॉस सेंटोस पहुँचे कैसे। बट हाँ इतना तो है वो फालतू का आइलैंड तो छोड़कर हम लोग निकल चुके हैं, देखते हैं गाइज लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। वैसे ये सब पता चलेगा गाइज नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तुम लोगों आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आज से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कमेंट में जरूर गेस करना यार कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, क्या पता डायरेक्ट लॉस सेंटोस भी पहुँच जाए या फिर किसी अजीबोगरीब आइलैंड पर। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना अगर तुम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो। और हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्लाइट वाले चैनल का। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे चलो चलो फुल स्पीड में भगाओ यार। भगा तो रहा हूँ, कोई आइलैंड दिखे तो सही। अरे लॉस सेंटोस ही दिख जा भाई, कहीं तो कुछ तो दिख जा बीच समुद्र में।